इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने गार्डन में अरेबिक जैस्मिन या हाइब्रिड वैरायटी के जो जैस्मिन होता है उसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में हर एक डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस फ्लावर के बारे में, इसके केयर के बारे में, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन टेरेस गार्डन। मैं अपने चैनल में गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो दूँ तो आपके फ़ोन में भी घंटी बजे। तो चलिए इस फ्लावर के इजी सा केयर के बारे में जान लेते हैं। ये भी एक जैस्मिन का ही वैरायटी है। वो जो देसी वाला जैस्मिन होता है वो इससे थोड़ा साइज़ में छोटा होता है, एंड ये हाइब्रिड वैरायटी का जो जैस्मिन है ये उससे थोड़ा साइज़ में बड़ा भी है एंड फ्रेग्रेंस भी उससे थोड़ा ज़्यादा है इसमें। एंड ये एक परमानेंट प्लांट है, पर ये समर के टाइम में ही मोस्टली बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। एंड आप देख ही सकते हैं मेरे प्लांट में भी बहुत सारे कलियाँ हैं। ये बहुत ही एक हेवी फ्लावरिंग प्लांट है। देखिए मेरे प्लांट में भी कितने सारे कलियाँ हैं। जब एक साथ बहुत सारे फ्लावर खिलेंगे तो आपके गार्डन को ये पूरे महका के रखेगा। इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही लाजवाब है एंड इसका केयर भी बहुत ही ईजी है। अगर आप बिगिनर हैं एंड कोई फ्रेग्रेंट फ्लावर लगाना चाहते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी। ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये किसी भी तरह के सॉइल मिक्सचर में ही इजीली ग्रो हो जाते हैं। आपके यहाँ का गार्डन सॉइल जैसा भी हो उस पे ही ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगा। आप 50% गार्डन सॉइल और 50% वार्मी कॉम्पोस्ट या ऑर्गेनिक कॉम्पोस्ट का रेशियो में भी आपका सॉइल मिक्सचर बना सकते हैं, या आप 70% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 30% वार्मी कॉम्पोस्ट मिला के भी अपना सॉइल प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड ये एक जैसे कि ये एक समर का फ्लावरिंग प्लांट है इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा धूप सहन कर सकता है, इसलिए आप इसको पूरे फुल सनलाइट में रखिए। जितना ज़्यादा इसको सनलाइट आप प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगा। और आप इसको रेगुलरली वाटरिंग कीजिए। ऐसे ही ये हार्डी प्लांट है पर इसको रेगुलरली वाटरिंग करना पड़ेगा आपको, खास करके समर के टाइम में आप इसको हर रोज़ पानी दीजिए। और आप पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं इसमें एक या दो दिन के गैप में। और इसका जो फर्टिलाइज़र है आप इसको मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या मस्टर्ड केक जो डस्ट होता है यानी जो मस्टर्ड केक आप वैसे ही इसके सॉइल में मिक्स कर सकते हैं, या और आप मस्टर्ड केक का ये फर्टिलाइज़र आप 2 हफ्ते के गैप में एक बार करके दीजिए, और आप मिक्स फर्टिलाइज़र इसको महीने में एक बार दे सकते हैं। मिक्स फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं या बोन मील भी दे सकते हैं। और अगर कोई भी डेड फ्लावर हो आपके प्लांट में यानी जो स्पेन फ्लावर है, जो फ्लावर सूख गए हैं, तो आप उसको निकाल दीजिए अपने प्लांट से। उससे फ्लावरिंग ज़्यादा होता है एंड कंटिन्यूस फ्लावरिंग होता है उससे। और इस प्लांट में मिली बाग का अटैक आपको देखने को मिल सकता है। इसमें और कोई फ्लावर और कोई पेस्ट का अटैक ज़्यादातर दिखने को नहीं मिलता है, पर मिली बाग का अटैक इसमें होता है। एंड गर्मी के टाइम में मिली बाग का अटैक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आप सेफ्टी के लिए इसमें हफ्ते में एक बार करके नीम ऑयल स्प्रे कर दीजिए। ये प्लांट एक सेमी क्लाइंबर है यानी इसके जो स्टेम्स हैं वो बहुत हार्ड नहीं है, थोड़े लैगी है, इसलिए आप इसको किसी भी आर्च पे चढ़ा सकते हैं इजीली ही। उसमें भी अगर बहुत सारे फ्लावर देखने को मिले तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा वो। एंड ये
बिगिनर के लिए एक बहुत ही बेस्ट प्लांट है। एंड दैट्स इट, ये था इसका बहुत ही इजी सा केयर। आप इसको लगाइए अपने गार्डन में, इसका जो फ्रेग्रेंस है वो आपके दिल को छू लेगा एंड ये दिखने में भी बहुत अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे गार्डनर्स दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड जैस्मिन के बारे में अगर आपका कोई क्वेरी हो तो भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपके गार्डन में कौन कौन सी वैरायटी के जैस्मिन अपने लगाए हैं। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। ओके फ्रेंड्स, बाय, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नए किसी प्लांट के साथ या नए किसी खूबसूरत से फूल के साथ।